So a very good morning, students. Greetings of the day. Welcome to the online lecture series on the course Railways, Airport and Waterways. So this is the lecture of module 2, and in this lecture we'll discuss about the numericals related to the points, crossings and switches. Basically points and crossings. Okay, design of points and crossing. In previous lecture we have seen in lecture 17 part 1 as well as part 2, and in the next lecture we have seen that what is actually point, what is crossing, and what are the criteria to design a point and the crossing, and how to determine the number of crossing and all. Okay, so the first numerical is, मैं आपको इस लेक्चर में दो न्यूमेरिकल्स बताऊंगा. बेसिकली वो डिजाइन से रिलेटेड होगा, ठीक है. और वो पहला न्यूमेरिकल इस तरह है. एग्जाम्पल वन इज लाइक दिस. कैलकुलेट ऑल दी नेसेसरी एलिमेंट्स. कैलकुलेट ऑल दी नेसेसरी एलिमेंट्स required to set out a 1 in 8.5 turnout taking off from a straight broad gauge track with its curve starting from the toe of the switch that is tangential to the gauge face of the outer main rail. and passes through theoretical nose of crossing that is TNC given heel divergence d equals to 11.4 cm. okay, now look at the numerical. ek bar numerical ki taraf dekhiye. न्यूमेरिकल कह रहा है कैलकुलेट ऑल द नेसेसरी एलिमेंट्स रिक्वायर्ड टू सेट आउट अ 1 in 8.5 टर्न आउट टेकिंग ऑफ फ्रॉम अ स्ट्रेट बीजी ट्रैक विथ इट्स कर्व स्ट्रेट स्टार्टिंग फ्रॉम द टो ऑफ द स्विच दैट इज टेंजेंट टू द गेज फेस एंड द आउटर मेन रेल एंड पासिस थ्रू द थ्योरेटिकल नोज ऑफ क्रॉसिंग दैट इज TNC गिवन हील डाइवर्जेंस डी इक्वल्स टू 11.4 cm.
ठीक है। सॉल्यूशन पे जब हम आएंगे तो पहले हम बात करेंगे जो जो गिवन पार्ट है, ठीक है। तो हम सॉल्यूशन की बात करें तो गिवन डेटा में क्या है, आपके पास n की वैल्यू 8.5, g की वैल्यू 1.676 मीटर, d की वैल्यू 11.4 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 0.114 मीटर, कर्व लीड CL क्या होता है, ट्वाइस ऑफ GN, तो 2 इंटू G की वैल्यू कितनी है 1.676 इंटू N की वैल्यू कितनी है 8.5, तो कर्व लीड की वैल्यू कितनी हो गई 28.49 मीटर। फिर दूसरा पार्ट आओ, दूसरा पार्ट है आपका रेडियस, R इक्वल्स टू R नॉट माइनस G बाई टू, R नॉट इक्वल्स टू 2GN स्क्वायर प्लस 1.5G, सो R नॉट इक्वल्स टू 2 इंटू 1.676 इंटू एन दैट इज 8.5 का स्क्वायर प्लस 1.5 इंटू जी दैट इज 1.676, तो आर नॉट की वैल्यू कितनी हो गई, वो हो गई 242.18 प्लस 2.51, सो आर नॉट की वैल्यू क्या आ गई 244.69 मीटर। तो आर की वैल्यू कितनी हो गई, आर नॉट, आर नॉट क्या है 244.69 माइनस जी बाई टू डेट इज 1.676 बाई टू, सो आर की वैल्यू कितनी हो गई 243.85 मीटर। आगे बढ़ते हैं, तीसरा पार्ट स्विच डेट इज एस एल अंडर रूट 2 आर नॉट इंटू डी इक्वल्स टू 2 आर नॉट की वैल्यू 244.69 इंटू डी 0.114 दैट इज इक्वल्स टू 55.8 मीटर, ठीक है। तो सबसे पहले हमने कर्व लीड निकाला CL दैट इज 2GN, देन रेडियस R इक्वल्स टू R नॉट माइनस G बाई टू, फिर उसके बाद हमने स्विच SL दैट इज अंडर रूट 2 R नॉट D। अब हम निकालेंगे चौथा जो हमारा एलिमेंट है वो होता है लीड, और लीड की वैल्यू होती है L दैट इज CL माइनस SL, तो CL माइनस SL हो गया 28.49 माइनस 7.45 मीटर, इसकी वैल्यू हो गई 21.04 मीटर। क्वेश्चन क्या था, कैलकुलेट ऑल दी नेसेसरी एलिमेंट्स, तो ऑल दी नेसेसरी एलिमेंट्स में जो हमारी वैल्यूज आई हैं, ऑल दी नेसेसरी एलिमेंट्स जो डिजाइन करने के बाद आया है उसमें क्या क्या है, सबसे पहला हमने निकाल लिया कर्व, कर्व लीड जैसे CL, उसकी वैल्यू क्या आई 28.49 मीटर, 28.49 मीटर। दूसरे की वैल्यू क्या आई, रेडियस हमने निकाला, सो रेडियस की वैल्यू क्या होती है R, मतलब कैसे रिप्रेजेंट करते हैं R, उसकी वैल्यू क्या आई है 243.85 मीटर। तीसरा एलिमेंट क्या है, स्विच डेट इज SL, SL की वैल्यू कितनी हुई
7.45 मीटर, और चौथी क्या है, लीड L 21.4 मीटर। ये है आपका इंटायर एलिमेंट्स। तो अगर हम एलिमेंट्स की बात करें, ऑल दी नेसेसरी एलिमेंट्स की बात करें, क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट ऑल दी नेसेसरी एलिमेंट्स, कैलकुलेट ऑल दी नेसेसरी एलिमेंट्स रिक्वायर्ड टू सेट आउट अ 1 in 8.5 टर्न आउट। एन की वैल्यू 8.5, दैट इज 8.5। टेकिंग ऑफ फ्रॉम अ स्ट्रेट ब्रॉड गेज ट्रैक विद इट्स कर्व स्टार्टिंग फ्रॉम द टो ऑफ द स्विच that is tangential to the gauge face of the outer main rail and passes through the theoretical nose of crossing, that is TNC, given heel divergence d equals to 11.4 cm. The first thing is that given data is your given data is your n equals to 8.5, g equals to 1.676, d equals to 11.4 cm, that is 0.114 meter. Curve lead CL equals to 2 into GN, 2 into 1.676 into 8.5 and इसकी वैल्यू हो गई 28.49 मीटर। आगे बढ़ा, रेडियस r equals to r not minus g by 2, r not कहां से निकालेंगे, 2 gn square plus 1.5 g, so r not equals to 2 into 1.676 into 8.5 square plus 1.5 into 1.676, so r not equals to 244.69, r equals to R not minus G by 2, तो यहां से R की वैल्यू 243.85 मीटर। आगे बढ़ा, स्विच SL under root 2 R not D, तो R not की भी वैल्यू है, D की भी वैल्यू है, तो स्विच SL हो गया 7.45, और लीड L equals to क्या होता है, ये होता है आपका SCL, मतलब कर्व लीड माइनस स्विच SL, तो ये लीड की वैल्यू हो गई 21.4, तो ये डिस्टेंस डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच। तो नेसेसरी एलिमेंट क्या क्या हो गया, CL, रेडियस, SL and lead. So this is your first numerical. इसको नोट कर लीजिए, मैं आपको दूसरा numerical भी बताता हूं कैसे करेंगे। Have you noted it down? एक और numerical देखेंगे, बहुत easy है ये। Okay. So moving to the next numerical. ये सारे न्यूमेरिकल्स एकेडी एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, सेमेस्टर्स एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कैलकुलेट ऑल द एलिमेंट्स, कैलकुलेट all the elements, calculate all the elements required to set out a one in 12 turnout taking off from a straight BG track with its curve starting from the toe of the switch that is
tangential to the gaze phase, tangential to the gaze phase of the outer main rail, outer main rail, and passes through TNC, that is theoretical nose crossing, given that the heel divergence has D equals to 11.4 centimeter. Calculate all the elements required to set out a 1:12 turnout taking from a straight broad gauge track with its curve starting from the toe of the switch, that is tangential to the gauge face of the outer main rail, and passes through TNC, given that the heel divergence D equals to 11.4 cm. We'll solve this numerical in a different way. Numerical वही है. सबसे पहले n की value 12, g की value 1.67 मीटर, d की वैल्यू 11.4 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 0.114 मीटर फ्रॉम राइट एंगल मेथड, cot alpha इक्वल्स टू n इक्वल्स टू 12, alpha इक्वल्स टू cot inverse 12. तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 4 degrees 45 minutes 49 seconds. ठीक है, तो सबसे पहला जो है वो CL, वो क्या होता है, G cot alpha by 2. तो G की वैल्यू 1.676 into cot 4 degrees 45 minutes 49 seconds by 2, 1.676 into 24.05 40.26 meters. तो ये हो गई CL की वैल्यू. फिर क्या निकालना होता है, ये मैं राइट एंगल मेथड से कर रहा हूं, आर नॉट सी एल अपॉन साइन अल्फा. ठीक है, तो 40.26 बाय साइन 4 degrees 45 minutes 49 seconds. तो आर नॉट इक्वल्स टू 485.69 meters. R equals to R naught minus G by 2, 485.69 minus 1.676 by 2, so R की value कितनी हो गई, 484.852 meters. ठीक है, अब हम निकालेंगे SL, अंडर रूट 2 आर नॉट इंटू डी, 2 आर नॉट दैट इज 485.69 इंटू डी, दैट इज डी की वैल्यू कितनी है 11.4. ओके, तो ये 11.4 नहीं होगा, 0.114.
राइट, तो ये हो गया अंडर रूट 111 इक्वल्स टू 10.5 मीटर, चौथा क्रॉसिंग लीड, दोनों का डिफरेंस क्रॉसिंग लीड दैट इज एल सी एल माइनस एस एल 40.26 माइनस 10.50 29.76 मीटर। तो हमने कर्व लीड, स्विच लीड, रेडियस और लीड, कर्व लीड सीएल, स्विच लीड एंड क्रॉसिंग लीड, ये चार एलिमेंट्स हमें डिजाइन करने होते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट ऑल दी एलिमेंट्स रिक्वायर्ड टू सेट आउट अ 1:12 टर्न आउट टेकिंग ऑफ फ्रॉम अ स्ट्रेट ब्रॉड गेज ट्रैक विद इट्स कर्व स्टार्टिंग फ्रॉम द टो ऑफ द स्विच दैट इज टेंजेंशियल टू द गेज फेस ऑफ द आउटर मेन रेल एंड पासेस थ्रू टीएनसी दैट इज थ्योरेटिकल नोज क्रॉसिंग गिवन दैट द हील डाइवर्जेंस डी इक्वल्स टू 11.4 सेंटीमीटर। सो एन की वैल्यू 12, जी की वैल्यू ब्रॉड गेज है 1.67, डी इक्वल्स टू हील डाइवर्जेंस 11.4 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 0.114 मीटर। राइट एंगल मेथड लगाया, cot अल्फा इक्वल्स टू n दैट इज अल्फा इक्वल्स टू cot इनवर्स n दैट इज cot इनवर्स 12 एंड द अल्फा इक्वल्स टू 4° 45' 49" cl इज क्रॉसिंग लीड दैट इज इक्वल्स टू g cot अल्फा बाय 2, g की वैल्यू है, अल्फा की वैल्यू है, यहां से हमको cl की वैल्यू निकल गई 40.26 मीटर। देन r नॉट दैट इज रेडियस, रेडियस इक्वल्स टू cl दैट इज क्रॉसिंग लीड अपॉन sin अल्फा 40.26 अपॉन sin 4° 45' 49" r नॉट क्या गया 485.69 मीटर। सो r इक्वल्स टू r नॉट माइनस g बाय 2। तो ये हो गया आपका r की वैल्यू दैट इज 484.852 मीटर। sl इज स्विच लीड इक्वल्स टू 2 अंडर रूट r नॉट t और स्विच लीड की वैल्यू क्या हो गई 10.5 मीटर। ये हो गया इक्वेशन 3। और क्रॉसिंग लीड l इक्वल्स टू डिफरेंस ऑफ द cl, ये क्रॉसिंग लीड लीड इक्वल्स टू l इक्वल्स टू cl माइनस sl और दोनों को डिफरेंस किया तो ये चौथी वैल्यू क्या आ गई 29.76 मीटर। सो दिस इज एक्चुअली द एलिमेंट्स। तो ये मैंने दो मेथड, दो तरह के आपको न्यूमेरिकल्स बताए, दोनों में हमें एलिमेंट्स को डिजाइन करना था, सारे एलिमेंट्स को फाइंड आउट करना था, दोनों का मेथड अलग अलग था, एक आपका राइट एंगल मेथड से किया, एक इंपेरिकल फॉर्मूला से यूज किया। तो राइट एंगल वाला ये है, प्रीवियस आपका इंपेरिकल फॉर्मूला सा था, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर, कल के लेक्चर में हम थोड़े और न्यूमेरिकल्स अल्फा क्रॉसिंग वगैरह पे देखेंगे, आज आपका स्विचेस और किस तरह हम एक टर्नआउट का न्यूमेरिकल करते हैं उसके बारे में। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।